सब समझ सकते हैं। तो वहीं केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच आवागमन शुरू हो चुका है। अभी मार्ग का काम कितना बचा हुआ है, इसे लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। केदार घाटी में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग, उस पर किस तरह का काम हो रहा है, वो कितना काम हो चुका है, रोज कितने यात्री जा रहे हैं, किस किस तरह की अभी आवश्यकता वहां पर महसूस हो रही है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पंकज पांडे जी उन्हीं से बातचीत करते हैं। पंकज जी, ये चूंकि केदार घाटी में पूरा कई जगह से वाश आउट हुआ था, परिस्थितियां बड़ी जोखिम भरी थी, चैलेंजेस बहुत थे, वो रास्ता आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने, बाकी लोगों ने बहुत सारी चीजें लगकर वो खुल गया है, तो अभी वो स्टेटस क्या है, यात्रा बहुत स्मूथली चल रही है या अभी वहां कुछ करने की गुंजाइश है? 31 तारीख को जो आपदा आई उसके बाद हम लोगों ने बहुत तत्परता से काम किया वहां पे पीडब्ल्यूडी ने, और हम लोग 5 तारीख को वहां गए थे, मैं स्वयं गया था, मैं और 2 दिन मैं अभी वहां पे था, और पूरा रूट का इंस्पेक्शन किया था, मैंने भी किया था, हमारी टीम ने भी किया था, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था उस टाइम पे जो एनएच वाला पोर्शन था उसमें जो जिस पे बाय रोड चलते थे हम लोग पहले, उसमें 3 ब्रीच हुए थे और सड़क 4 जगह पे धस गई थी या वॉशआउट जिसको आप कहते हैं, आधा करीब धस गया था, उस पर हम लोगों ने काम चालू कर दिया था इमिडिएटली, और 150 मीटर का एक बड़ा वॉशआउट था उसको थोड़ा सा हमें 4 दिन लगे उस टाइम पे, हम लोगों ने 3 मशीनें वहां पर लगाई थी, तो उसको 4 दिन में हमने पैदल जाने के लिए चालू कर दिया था, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और उसमें पत्थर बीच बीच में आ रहे थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने एक और प्लान किया, हमने नीचे सोनप्रयाग में एक नीचे उतर के नदी के पास तक पैदल रास्ता बनाया, उसके बाद वहां पे एक पुल लगाया, नदी के दूसरी तरफ गए, दूसरी तरफ से पैदल रास्ता बनाया गया और वापस पुल से इस तरफ लाने का हमने इंतजाम किया उसमें। उसके अलावा जो दूसरे जो जो छोटे ब्रीचेस थे 50 मीटर और 30 मीटर के, उसको भी हम लोगों ने वर्कआउट करके वहां बैक कटिंग करके हमने चालू कर लिया था। केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता है वो हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर चालू किया था, जैसा कि हम लोगों ने कमिट किया था, सरकार ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर चालू करेंगे, तो हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर उसको चालू किया, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो बीच बीच में वो बंद भी हो जा रहा था, तो हमारी 300 लेबर उस पर पूरे रूट पे जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम के बीच में रास्ता है उस पर पूरी लगी हुई थी। 3 मेजर डैमेजेस थे, भीमबली के पास, एक लिंचोली के पास, एक और उसके ऊपर, उसमें से भीमबली वाला हम लोगों ने 6 तारीख को चालू किया था, उसके दोनों बाकी जो दोनों थे वो हमने 1 हफ्ते में उसको भी खोल लिया था, पैदल जाने का रास्ता बना लिया था। अभी मैंने लास्ट थर्सडे को एक रिव्यू किया था तो उसमें मुझे विभाग के द्वारा सूचना दी गई कि अभी वर्तमान में सारे खच्चर हमारे जो हमारे सामान है, क्योंकि केदारनाथ धाम में हमारा मास्टर प्लान का भी काम चल रहा है, काफी सारा कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा सारा सामान इंक्लूडिंग राशन और जो डीजल वगैरह है वो सारा चीज खच्चर से बहुत स्मूथली ऊपर जा रहा है। यात्रा जरूर कम चल रही है अभी, लेकिन 1500 से 2000 लोग के आसपास अभी जा रहे हैं, बारिश की वजह से थोड़ा कम यात्रा रहती है, लेकिन यात्रियों के लिए पूरा मार्ग जो है सुचारू रूप से चालू किया गया है। तो अब आप केदारनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं, पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है, बहुत सारे काम हो चुके हैं और थोड़े बहुत काम बाकी है जिससे बरसात की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।